नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। ग्रेव स्टोन डोजी का नाम जापान के लोगों ने कब्र के पत्थर के नाम पर रखा। कब्र का पत्थर तो आप सभी जानते हैं, यह कब्र के पत्थर के ऊपर मरने वाले का नाम लिखा होता या उसके विषय में कुछ जानकारी होती है, उसे ग्रेव स्टोन या कब्र का पत्थर कहते हैं। ग्रेव स्टोन डोजी चार्ट में दो प्रकार से दिखाई देता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। इन दोनों कैंडल में तीन बातें एक समान होती हैं, इनका ओपन और क्लोज प्राइस एक समान होता है, इनकी लॉन्ग अपर शेडो होती है, इनमें कोई रंग नहीं होता। ग्रेव स्टोन डोजी मंदी को दर्शाती है। इसका मतलब यह होता है कि अब मार्केट में तेजी का समय समाप्त हो चुका है और अब मंदी की ओर शुरुआत हो रही है। ग्रेव स्टोन डोजी को अगर आप इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये चार्ट में हाई बनाए, और यदि आप हिस्टोरिकल चार्ट में देख रहे हैं तो ये कम से कम 25 दिन का होना चाहिए या 25 दिन का हाई बनाए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। यदि ग्रेव स्टोन डोजी चार्ट के बीच में बनता है तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है। आइए अब हम चार्ट में ग्रेव स्टोन डोजी को देखते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि ग्रेव स्टोन डोजी दिखाई दिया आपको, ये चार्ट में हाई बना रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेव स्टोन डोजी की मदद से हम मार्केट में सेलिंग कैसे करें। डोजी से पहले जो कैंडल है प्राइस, जब तक उसके नीचे नहीं आ जाता है तब तक आपको सेलिंग नहीं करनी है। प्राइस जब उससे नीचे आ जाए तो ये हमारे लिए सेलिंग का कन्फर्मेशन है या सेलिंग कन्फर्मेशन का सिग्नल है कि अब मार्केट में सेलर की पकड़ मजबूत हो चुकी है। यह समय हमारे लिए सही है जब हम सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग करने के तुरंत बाद आपको ग्रेव स्टोन डोजी का हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना है। अब आखिरी सवाल ये कि प्रॉफिट कहाँ तक बुक करें। इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक आपको कोई मार्केट में कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं दिखाई देता तब तक आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। यदि आपको ट्रेंड बदलने वाला कोई सिग्नल दिखाई देता है तो आपको वहीं पर प्रॉफिट लॉस बुक कर लेना है। तो दोस्तों, आज आपने ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में सबको संपूर्ण रूप से सीख लिया। यदि आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में बताऊंगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम जापान के लोगों ने ड्रैगन फ्लाई के नाम पर रखा है। यह एक प्रकार का छोटा उड़ने वाला कीड़ा होता है। आपने इसे खेतों में अक्सर देखा होगा और आजकल तो इसका नाम बहुत ही चल रहा है। बारिश के समय ये आसमान में उड़ते हुए आपने इसको ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट में दो प्रकार से बनता है या दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। ये दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। इन दोनों में तीन बातें एक समान होती हैं। पहली बात ये कि इनका ओपन और क्लोज प्राइस एक समान होता है। दूसरी बात कि इन दोनों में जो लोअर शेडो होती है वो लंबी होती है, और तीसरी बात कि इनमें कोई कलर नहीं होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी तेज़ी को दर्शाने वाली कैंडल है। जैसा कि आपने पहले देखा वो बेरिश थी और ये बुलिश कैंडल है, मतलब अब वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब
तेजी शुरू होने वाली है। जैसा कि आप नाम से भी याद रख सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई है जो हवा में ऊपर उड़ती है, तो ड्रैगन फ्लाई टोजी को आप इंट्राडे चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो एक बात आप ध्यान रखिए कि ये लॉन्ग के साथ बने हैं। और अगर आप इसे हिस्टोरिकल चार्ट में देख रहे हैं तो ये कम से कम 25 दिन के चार्ट में हो तभी ये काम करेगा। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के बीच में बनता है तो इस कोई महत्व नहीं रहता है। आइए अब इसको चार्ट के माध्यम से इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई दे रहा है आपको, ये चार्ट में लो बना रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रैगन फ्लाई डोजी की मदद से हम बाइंग किस प्रकार से करें। डोजी से पहले की जो कैंडल है, प्राइस जब तक उसके ऊपर ना जाए तब तक आपको बाई नहीं करना है। प्राइस जब उससे ऊपर आ जाए तो ये हमारे लिए एक बाइंग करने का कंफर्मेशन है या सिग्नल है कि अब मार्केट बायर की पकड़ मजबूत हो रही है, तो यह समय हमारे लिए सही है जब हम मार्केट में बाय कर सकते हैं या खरीदी कर सकते हैं। खरीदी करने के बाद तुरंत बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी की लो के नीचे हमको स्टॉप लॉस लगा देना है। अब आखिरी सवाल यह है कि हम प्रॉफिट कहाँ पर बुक करें, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं दिखाई देता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। यदि आपको कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल दिखाई देता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो दोस्तों, आज आपने ड्रैगन फ्लाई डोजी के विषय में सीखा। यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको हैमर के विषय में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक है और ये कैंडलस्टिक का ही पैटर्न है। इसका नाम हैमर इसलिए है क्योंकि ये तेजी को दिखाता है और ये एक हथौड़े की जैसा दिखाई देता है। हैमर तेजी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है, इसीलिए इसको बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं। इसलिए ये मार्केट के बॉटम पर ही बनती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये बॉटम पर बनेगी तो उसके ऊपर मार्केट में तेजी आएगी। जब मार्केट में लंबी मंदी के बाद आखिरी कैंडल के मार्केट क्लोजिंग के समय अच्छी तरीके से कवर होकर या ओपन प्राइस के पास आकर बंद होता है, इसका मतलब यह होता है कि अब मंदी का दौर खत्म हो चुका है या होने वाला है और अब मार्केट में तेजी का दौर शुरू होने वाला है या उस पर्टिकुलर शेयर में तेजी का प्राइस चालू होने वाला है। हैमर जब भी बनता है तो उसकी शेडो उसकी बॉडी की तुलना में दुगनी या उससे ज़्यादा होती है, या कहें कि जितनी बॉडी है उससे कम डबल तो उसकी शेडो होनी चाहिए तभी ये अच्छी होती है। इस कैंडल में रंग का कोई कोई महत्व नहीं है। हालांकि ये सभी हैमर तेजी की कैंडल हैं, तो अगर ये हरे रंग की बने तो वो ज़्यादा अच्छा कन्फर्मेशन मिलता है। तो हैमर ये चार तरीके का होता है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। इन चारों प्रकार को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये चारों एक ही काम करते हैं, तेजी को दर्शाते हैं। अब हैमर के बनने के बाद यह कितनी तेजी होगी इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर ज़्यादातर यह अच्छा ही परिणाम देती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद हमको इसमें खरीदी करने से फ़ायदा ज़रूर होगा। मान लीजिए कि चार्ट में कल हैमर बना था और आज भाव तेज खुले हैं, या कहें कि हैमर के क्लोज के ऊपर खुले हैं, तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन का सिग्नल है कि हमें अब खरीदी कर लेनी चाहिए। आइए इसे हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। आपको इस चार्ट में हैमर दिखाई दे रहा होगा, तो अब ट्रेड करने के लिए हैमर के हाई के ऊपर बाय करना है और हैमर के लो के नीचे
का स्टॉप लॉस लगाना है। और मार्केट में जब तक तेज़ी दिखाता है तब तक हमें अपनी पोजीशन के साथ खड़े रहना है, उसके बाद हमें प्रॉफिट बुक करना है। हैमर इंट्राडे चार्ट में, डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में, सभी में बन सकता है। इन तीनों चार्ट में हैमर का बहुत महत्व होता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि हैमर हाई के ऊपर खरीदी कीजिए और हैमर के लो के स्टॉप लॉस लगाइए। तो दोस्तों, आज आपने हैमर के बारे में सीख लिया। तो अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट के जाकर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इन्वर्टेड हैमर के विषय में विस्तार से बताऊंगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक का ही एक पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कहें कि ये मार्केट में तेज़ी को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी का दौर ख़त्म होकर तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है, या तेज़ी के दौर का सिग्नल है या होने वाली है। इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है तब उसकी शेडो उसकी बॉडी से की तुलना में कम दुगनी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर ये तेज़ी को प्रदर्शित करती है तो हरी होगी तो अच्छी रहेगी। इन्वर्टेड हैमर दो प्रकार से बनता है, यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं। यह दोनों एक ही काम करते हैं, बस इनके ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में अंतर होता है। यह कैंडल हैमर की ठीक उल्टी होती है। हैमर कैसे काम करता है, हैमर के विषय में मैंने पहले आपको बताया है। अगर आपको हैमर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हैमर के विषय में वीडियो की लिंक देख सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर में अगर होती भी है तो बहुत छोटी होती है, इसमें रंग का कोई महत्व नहीं है। यह हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनती है, या कहें कि सबसे नीचे बनती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। चार्ट में देखते हैं, मान लीजिए कि कल चार्ट में इन्वर्टेड हैमर बना था और आज की जो नई कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे ऊपर ओपन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें, प्राइस गैप में ओपन होना चाहिए। यह तेज़ी के लिए हमारी पहली कन्फर्मेशन है। इसके बाद जब प्राइस इन्वर्टेड हैमर से जो पिछली कैंडल थे उसके ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हमें खरीदी नहीं करनी है। जब प्राइस ऊपर चला जाए तो ये हमारे लिए खरीदी का दूसरी कन्फर्मेशन है। इसके बाद हमें मार्केट में खरीदी कर लेनी चाहिए। आइए अब इन्वर्टेड हैमर को चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी गिरावट के बाद इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा होगा और अगली कैंडल इन्वर्टेड हैमर से क्लोज प्राइस के ऊपर से या गैप में ओपन हो रही है। प्राइस जब इन्वर्टेड हैमर से पिछली कैंडल के ऊपर चला जाए, तो उस समय हमें खरीदी कर लेना चाहिए। और ख़रीदी करने के तुरंत बाद हमें इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मार्केट में जब तक कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल ना दिखाई दे तब तक आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिखाई दे जो मार्केट में ट्रेंड बदल सकता है तो आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों,
अब आपने इन्वर्टेड हैमर के बारे में भी सीख लिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको हैंगिंग मैन के बताऊंगा। जापानी लोगों ने एक फांसी के ऊपर लटके हुए आदमी के नाम पर इसका नाम रखा है। ये चार्ट में कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है। हैंगिंग मैन मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि अब वस्तु में तेजी का समय खत्म होकर मंदी का दौर शुरुआत होने वाली है। हैंगिंग मैन जब भी बनता है हैंगिंग मैन जब भी बनता है तो उसकी बॉडी की तुलना में उसकी शेडो दुगनी या उससे लंबी होती है। हैंगिंग मैन हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है, या कहें कि चार्ट में सबसे ऊपरी भाग में बनता है। हैंगिंग मैन में रंग का कोई महत्व नहीं होता है, पर यह मंदी को दर्शाती है। तो ये लाल कलर की होगी तो कन्फर्मेशन ज़्यादा अच्छा कन्फर्मेशन आएगा। हैंगिंग मैन चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों एक ही काम करते हैं। हैंगिंग मैन जब भी चार्ट में बनता है तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हैंगिंग मैन का जो ओपन प्राइस है वो पिछली कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी हैंगिंग मैन अच्छी तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में हैंगिंग मैन बना था और आज भाव हैंगिंग मैन के क्लोज के नीचे खुलता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगली कैंडल गैप में खुलती है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा कन्फर्मेशन है या अच्छा सिग्नल है कि अब हमें मार्केट में बिकवाली करनी चाहिए। आइए अब हम इसे चार्ट में देखते हैं। चार्ट में आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा होगा और अगली कैंडल गैप में खुल रही है, तो अब हमें इसको ट्रेडिंग करने के लिए हैंगिंग मैन की हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना है और सेलिंग करनी है। और जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं दिखाया बन या नहीं बन जाता है, तब तक हमें अपनी पोजीशन के साथ खड़े रहना है। अगर आपको कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल दिख जाता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बस इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि हैंगिंग मैन और उसके बाद की जो कैंडल है वो दोनों में गैप हो या गैप में ओपन हो तो ये अच्छी तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों, आज आपने हैंगिंग मैन के बारे में जान लिया। अब मैं आपको शूटिंग स्टार के बारे में बताऊंगा। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है और ये बहुत काम आता है। शूटिंग स्टार आखिरी सिग्नल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके बाद जो कैंडल स्टिक पैटर्न आएंगे वो दो या उससे ज़्यादा कैंडल से बनेंगे। शूटिंग स्टार का नाम जापान के लोगों ने एक टूटते हुए तारे के ऊपर रखा है। टूटता हुआ तारा आप सभी ने रात के समय जरूर देखा होगा। यह कैंडल स्टिक में चार्ट में कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। शूटिंग स्टार जब बनता है उस दिन वह अच्छी तेजी दिखाने के बाद ओपन प्राइस या लो के पास आकर बंद होता है, इसलिए इसे शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा कहते हैं। शूटिंग स्टार चार्ट में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह इंट्राडे चार्ट में लगभग हर रोज दिखाई देता है। शूटिंग स्टार बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह मंदी को दर्शाने वाला पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में या वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो चुका है और
अब मंदी का दौर चालू है। जैसा कि आपने देखा कि टूटता हुआ तारा है, मतलब अब वो तारा टूट चुका है। शूटिंग स्टार हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है, क्योंकि उसके बाद मार्केट गिर रहा है, या कहें कि ये चार्ट के सबसे ऊपरी स्तर पर बनता है। यह अधिकतर लंबी तेजी के बाद बनता है। शूटिंग स्टार के बनने के बाद मार्केट में मंदी की संभावना बढ़ जाती है। शूटिंग स्टार मार्केट में तेजी के ट्रेंड को पूरी तरीके से रिवर्स कर देता है या ख़त्म कर देता है। शूटिंग स्टार जब भी बनता है, तब उसकी शेडो उसकी बॉडी की तुलना में दुगनी या उससे ज़्यादा लंबी होती है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि शूटिंग स्टार की शेडो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कभी कभी तो ये उस बॉडी की तुलना में लगभग 10 गुना तक जा सकती है या हो सकती है। शूटिंग स्टार आपको चार्ट में कुछ चार प्रकार से दिखाई दे सकते हैं। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह चारों एक ही काम करते हैं। शूटिंग स्टार में रंग का कोई महत्व नहीं है, पर यह मंदी की कैंडल तो लाल रंग की होगी, तो हमारा कंफर्मेशन ज़्यादा होगा। और लंबी मंदी की संकेत के लिए अच्छी रहेगी। शूटिंग स्टार इंट्राडे चार्ट में, डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप शूटिंग स्टार को 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, तो इससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आप इसे डेली चार्ट और वीकली चार्ट में देखिए, तो आप इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शूटिंग स्टार के साथ एक और चीज़ है जो आपको जाननी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, वो है वॉल्यूम। शूटिंग स्टार के साथ वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम टेक्निकल इंडिकेटर होता है। टेक्निकल इंडिकेटर के विषय में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको वॉल्यूम के विषय में विस्तार से बता देता हूं। बाज़ार में एक दिन में या एक कैंडल के दरमियान जो खरीदी और बिक्री होती है, उसके आधार पर अब तक कितनी ट्रेडिंग हुई, वह वॉल्यूम के आधार पर हम जान सकते हैं। या सरल शब्दों में कहें कि जब कोई कैंडल बनती है, तो उसमें जितनी ट्रेडिंग होती है, या कहें कि जितनी खरीदी या बिक्री होती है, उसके सूचक को वॉल्यूम कहते हैं। मैं आपको वॉल्यूम के सूचक को चार्ट में दिखाता हूँ। यह जो चार्ट है, इसमें आप लाल और हरे रंग के डंडे देख रहे हैं, ये वॉल्यूम के सूचक कहते हैं। यह प्रत्येक कैंडल का वॉल्यूम दर्शाते हैं। इसे आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शूटिंग स्टार के साथ वॉल्यूम का क्या महत्व है। तो ध्यान से देखिए, जब शूटिंग स्टार बने, तो उसका वॉल्यूम बहुत अधिक होना चाहिए। जब वॉल्यूम बहुत अधिक मात्रा में होगा, तो शूटिंग स्टार बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि शूटिंग स्टार कैसे काम करता है। शूटिंग स्टार जब चार्ट में बनता है, तो उससे जो पिछली कैंडल है, वह उससे गैप अप ओपन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि कल चार्ट में शूटिंग स्टार बना था, और आज की जो नई कैंडल है, वो शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे नीचे ओपन होना चाहिए, या कहें कि गैप डाउन होना चाहिए। इसके बाद शूटिंग स्टार जो वॉल्यूम है, वो शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है, उसके वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए। शूटिंग स्टार के बाद में जो कैंडल है,
उसका वॉल्यूम शूटिंग स्टार की कैंडल से बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यह बहुत अच्छी तरीके से मंदी का संकेत होगा। अब सेलिंग करने के लिए हमें यह देखना होगा कि जो प्राइस शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है, प्राइस जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक हमें मार्केट में सेलिंग नहीं करनी है, और शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। शूटिंग स्टार में कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नंबर एक, यह एक लंबी शेडो वाली कैंडल होती है। नंबर दो, इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है। नंबर तीन, यह गैप ओपन होना चाहिए। नंबर चार, इसमें वॉल्यूम का बहुत महत्व है। नंबर और अब मैं आपको शूटिंग स्टार को चार्ट में समझाता हूँ। आपको लंबी तेज़ी के बाद चार्ट में टॉप पर शूटिंग स्टार दिखाई देगा, और अगली कैंडल जो है वो शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस के नीचे ओपन हो रही है, या कहें कि गैप डाउन हो रही है, और शूटिंग स्टार का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छा है, और अगली कैंडल का वॉल्यूम शूटिंग स्टार्स के वॉल्यूम से भी ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है, लंबी मंदी का बहुत अच्छा सिग्नल है और पहला कंफर्मेशन हो चुकी है। और जब प्राइस शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है उससे नीचे नीचे नहीं आ जाता तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है। जब जब प्राइस नीचे आ जाए तो हमें तुरंत सेलिंग करके शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मार्केट में जब तक कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं आ जाता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो मार्केट में ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपने शूटिंग स्टार के बारे में जान लिया। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।